आएगी आप सभी की ऑल न्यू टीवीएस अपाचे 125 BS6 2022 मॉडल। बहुत लोग उम्मीद में बैठे हुए हैं कि टीवीएस अपनी एक ऑल न्यू बाइक लॉन्च करेगा 125 सी सेगमेंट में। तो कब तक ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी, क्या कुछ बड़े फीचर्स स्पेक्स ये बाइक लेके आने वाली है, आज आपको हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे जो लोग भी हमारे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप सभी को हम बाइक को स्कूटी दुनिया से अप टू डेट। ये फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर सबसे पहले आप लोग बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, तो आपको मैं बता दूं ये गाड़ी आपकी जो रहने वाली है ये सेम इंजन शेयर करेगी लगभग जो आपको टीवीएस रेडर में देखने को मिलता है। टीवीएस रेडर से इसका लगभग सेम ही ऑलमोस्ट इंजन आएगा, बस इसको थोड़ा रीट्यून किया जाएगा, थोड़े इसमें पावर फिगर्स आपको बेटर देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट रहने वाला आप सभी की ऑल न्यू अपाचे के लिए। बाकी अगर आपने देखा होगा आपकी जो टीवीएस रेडर है लगभग आपको 11.2 PSI पावर 11.3 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। तो ये गाड़ी आप जान के चलिए ये गाड़ी को NS160 को कंप्लीट करना है। NS160 आपके लगभग 12 PS के आसपास पावर प्रोड्यूस करती है। तो ये गाड़ी आपको लगभग 1 PS से 1.5 PS की एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करेगी आप सभी की टीवीएस रेडर कंपैरिजन में। उसके साथ ही अगर लुक की बात करेंगे तो लुक आपको लगभग सेम कंटिन्यू करने वाली है, जैसे कि आपको 164B या आप सभी की जैसे 204B में लुक देखने को मिलता है सेम लगभग लुक रहेगा। फुली LED सेटअप आपको फ्रंट साइड से देखने को मिल जाएगा। LED डियल्स आपको बीच में जैसे देखने को मिलते हैं अभी ऑल न्यू 164B में 204B में, लगभग वैसे ही आपको यहाँ पर LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। मीटर कंसोल की बात करेंगे तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मीटर कंसोल वाइज भी आपको कोई शिकायत महसूस नहीं होगी, अच्छा मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें कि आपको एडवांस फीचर्स जो आज की डेट में कंपनी रिक्वायर करती है, आप लोगों को रिक्वायरमेंट है वो आपको लगभग सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रियल टाइम माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी जैसे लगभग सारे फीचर्स, अच्छे खासे फीचर्स आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी इसके मीटर कंसोल में, ये फीचर नहीं है वो फीचर नहीं है। ओवरऑल जो इसका मीटर कंसोल रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा और आपको अच्छे खासे फीचर्स और स्पेक्स निकाल के देगी गाड़ी। उसके साथ ही बात करेंगे तो आपको इसमें डुअल मफलर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको ऑलरेडी देखने को मिलता है आपकी 164B और 204B में। बाकी इसका जो मीटर कंसोल रहेगा आपको वहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्मार्ट कनेक्ट फीचर आप जानते हैं टीवीएस का जो स्मार्ट कनेक्ट फीचर है कंपनी बिल्कुल आपको यहाँ भी प्रोवाइड करेगी, और आप उस स्मार्ट कनेक्ट फीचर के थ्रू अपने फ़ोन को इजीली आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपने मीटर कंसोल से, और साइड बाय साइड गूगल नेविगेशन का मैप का सपोर्ट, कॉल नोटिफिकेशन आप लोग अपने मीटर कंसोल में देख पाएंगे। तो ये तो ओवरऑल इस बहुत अच्छी बात रहने वाली इसकी मीटर कंसोल वाइज। बाकी तो लुक वाइज आपको गाड़ी ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन लगेगी। मेन जो कंप्लीट करी है गाड़ी 125 NS को करने वाली है, इसलिए पावर आपको बिल्कुल बेहतर देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही मीटर कंसोल भी बहुत ही बेहतर मिलेगा। बात करें गाड़ी के बारे में और कुछ गाड़ी कितना माइलेज निकाल के दे पाएगी, तो आपको लगभग 45 से 50 KMPL तक का माइलेज गाड़ी से इजीली देखने को मिल जाएगा। 50 तक का माइलेज आपको गाड़ी इजीली निकाल के दे देगी। बाकी अगर आप इसे हाईवे राइड पे यूज़ करेंगे तो आप 55-60 तक का भी माइलेज आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि बाइक रहेगी जो 125 CC सेगमेंट की रहेगी, तो माइलेज तो आपको बेहतर जरूर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही बात करेंगे इस गाड़ी की सस्पेंशन वाइज, तो बैक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। पोर्टेबल लाइट वाइज आपको कोई भी ज़्यादा शिकायत इस बाइक से महसूस नहीं होगी, ओवरऑल कंफर्टेबल लाइट निकाल के देने में गाड़ी बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली है। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करेंगे, क्या कुछ गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रहने वाली है, तो लगभग ये गाड़ी आपको 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में ऑन रोड कॉस्टिंग करेगी। बाकी जैसे ये बाइक लॉन्च होती है आपको हम इस बाइक से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ABS की देखिए कोई चांसेस नहीं है कि आपको कंपनी यहाँ पे ABS प्रोवाइड करेगी, आपको फ्रंट में 240mm की डिस्क और बैक में आपको 130mm की ड्रम ब्रेकिंग का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी अगर लॉन्चिंग की बात करेंगे तो आपको लगभग 2 से 4 महीने आपको बिल्कुल लगने वाले इसके लॉन्चिंग के लिए, कि कंपनी अभी करेंटली टीवीएस रेडर फोकस कर रही है, टीवीएस रेडर के आपको स्टॉक प्रोवाइड करी है, क्योंकि आपको पता ही होगा टीवीएस रेडर के अभी सारे स्टॉक आपको क्लियरली नहीं मिल पा रहे हैं। तो बिल्कुल कंपनी अभी दूसरे बाइक में अपना हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि अभी कंपनी 125 CC में अपना रिस्पॉन्स बिल्कुल चेकआउट करना चाहेगी। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स वाइज बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है उनके टीवीएस रेडर में, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में आपको ये बाइक बहुत ही जल्दी लॉन्च होती हुई दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स यही था डिटेल वीडियो आप सभी की ऑल न्यू टीवीएस अपाचे 125 के ऊपर। होप करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप सभी को हम बाइक को स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखते हैं। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर करिएगा ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके आप सभी की ऑल न्यू अपकमिंग टीवीएस अपाचे 125 BS6।